वेलकम जेनिक एजुकेशन हम नए नए क्वेश्चन लाके आपको सोलूशन दे रहे हैं और सोलूशन इस वे में दे रहे हैं ताकि आप पूरा उसका प्रोसीजर समझिए और उसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो देखिए आपके एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है एंड सिस्टम चल रहा है जी कोर में आपका चल रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है पावर सिस्टम चल रहा है ओके तो इस सीरीज को रेगुलसली फॉलो कीजिए क्योंकि ये नए नए क्वेश्चंस आपको सीखने मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस में और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते हैं ये एक दिन पहले ही शाम को आपको ऐप में आ जाते हैं वहां ऐप में जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपके आंसर सही होंगे तो उस बेसिस पे आपको कुछ स्कॉलरशिप मीन आप जब कोर्स परचेस करेंगे तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल सकता है जरूरी नहीं मिलेगा लेकिन मिल सकता है ओके तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप एप इंस्टॉल कीजिए जेनिक लाइव एप और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जैसे कि आपको पता है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है लास्ट के दो लेक्चर एपिसोड नंबर टेन और एपिसोड नंबर इलेवन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में ही गया है अभी जो एपिसोड नंबर ट्वेल्व है उसमें हम बात करने वाले हैं जी ट्वेंटी का क्वेश्चन नंबर क्योंकि वन से आठ तक जो क्वेश्चन जब के थे अभी छह से सात क्वेश्चन चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के ओके तो चलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसका कोड वर्ड है जी ट्वेंटी एट इलेवन मतलब जी ट्वेंटी एट सीरीज का इलेवन नंबर क्वेश्चन है तो देखो ये एमएस है मैं पहले ही बता दू ये एमएस है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है ये जो कर्व है जिसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ये कर्व कौन से टाइप का कर्व है क्या ये इलिप्स है क्या ये हाइपरबोला है क्या ये पैराबोला है या ये इलिप्स या ये सर्कल है ओके okay? तो यहाँ भी जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उससे यही क्लू मिल रहा है कि ये सर्कल ही होगा क्योंकि चारों चारों के क्या है सर्कल के रिलेटेड ही हैं। लेकिन इसमें देखो एम एस क्यू तो हमें क्या पूछा है ये सर्कल तो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किसका इक्वेशन होगा सर्कल का इक्वेशन होगा लेकिन वो सर्कल क्या होगा उसका रेडियस वन होगा या उसका सेंटर वन जीरो होगा या उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाए करेगा या एक्सिस पे लाए करेगा ये तभी पता चलेगा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे और इसका सोल्यूशन हमें मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब करेंगे तो इसका सोल्यूशन मिलेगा एक सर्कल का इक्वेशन उस सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है ओके okay? तो सबसे पहले हम जाएंगे और प्रोसीड करेंगे कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है तो सबसे पहला सबसे पहला आपका ये तरीका होगा सबसे पहला आपका देखो अप्रोच क्या होना चाहिए सबसे पहले हम इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको हम बनाएंगे डेरिवेटिव के टर्म्स में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे ये कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें कौन सी टेक्निक लगानी है क्लियर मेरी इतनी बात तो चार ऑप्शन है इन ऑप्शन को नोट कर लीजिए फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो चलिए मेन ऑप्शन को हटा देता हूं मेन ऑप्शन को हटा देता हूं और आगे हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं यहां से मैं सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ओके तो देखो गिवन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन टू डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डीवा हम डीवाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये टू एक्स वाई डीवाई है उसको जीरो के उस साइड ले जाओ और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स तो dy बाई डी एक्स क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स वाई डिवाइड बाय टू एक्स वाई क्लियर मेरी इतनी बात तो ये आ गया अपना dy बाई डी के फॉर्म में इक्वेशन यहां पे एक ही डेरिवेटिव यहां पे एक ही टर्म प्रेजेंट है या डेरिवेटिव डिफरेंशियल जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट है डेट इज dy बाई डी तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो तीन मेथड जैसे कि हमको पता है क्या एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होता है तीसरा मेथड होता है डीवाई बाई डीएक्स प्लस वाले टाइप के इक्वेशन को सोल्व करना जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स में देखा था तो देखो जो डीवाई बाई डीएक्स प्लस वाला इक्वेशन होता है वो होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर से ज्यादा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर से ज्यादा होगा तो वो नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी डी वाई वाई डीस प्लस पी वाई के फॉर्म में नहीं सॉल्व किया जा सकता दूसरा आते हैं वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल मेथड। मेथड क्या लगाया जा सकता है? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए क्या करना होता है वायक एक वायक एक वेरिएबल एक साइड पूरे जमा करने हैं और एक वेरिएबल दूसरी साइड पूरे कलेक्ट करने क्या इसमें हो सकता है देखो इसमें वो भी नहीं हो सकता वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें y के सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट करने पड़ेंगे x के सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट करने पड़ेंगे मतलब y और x को दोनों को अलग करना पड़ेगा जो कि यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां यहां पे पे देखो x और y mein, y दोनों दोनों मल्टीप्लिकेशन में में या तो हम कभी भी वाले टर्म्स अलग नहीं कर पाएंगे एक्स साइड पे और x वाले टर्म्स दूसरी साइड पे अलग नहीं कर पाएंगे तो ये दोनों मेथड फेल हो गई अभी आता है तीसरा मेथड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओके तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यहां लगाया जा सकता है तो देखो उसका कैसा मतलब वर्क क्या होता है मतलब स्टेप्स कैसे होते हैं सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं तो देखो अगर हमारे पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस टाइप के अगर फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं मतलब क्या कि एक अलग साइड साइड पे पे हो गया दूसरा राइट right हैंड क्या है एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है वाई एंड एक्स तो अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है अगर ये फंक्शन क्या है होमोजीनियस है तो हम बोलेंगे ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपली बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये फंक्शन क्या है होमोजीनियस फंक्शन है क्या है होमोजीनियस फंक्शन और उसको कैसे सोल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे ओके तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है हम सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स क्या करते हैं

ये क्या सब्सिट्यूशन यहां पे यूज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये homogeneous function ही है देखो इसको चेक देखो इसको कैसे कैसे करेंगे करेंगे हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स वाई डिवाइड बाय टू एक्स वाई अभी क्या करो लेटेस्ट से हम एक्स को केक्स से रिप्लेक्स करते हैं और वाई को के से रिप्लेस कर दो तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में फंक्शन का इक्वेशन है वहां भी वाई की जगह के, ky लिखना पड़ेगा और एक्स की जगह के एक्स लिखना पड़ेगा ओके तो ये क्या हो जाएगा टू इन टू के स्क्वायर एक्स वाई ओके तो ये क्या बचेगा ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स वाई और मैं बोल सकता हूं इनटू k टू द पावर 0 k टू द पावर जीरो ये क्या आया f ऑफ kx ky तो क्या आया k टू द पावर जीरो 0 जो ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ xy f ऑफ xy ओके okay, तो ये होमोजिनियस फंक्शन है ये होमोजिनियस फंक्शन है अगर किसी भी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहां पे x को kx से रिप्लेस कर दिया य को के वाय से रिप्लेस कर दिया is equal to आया, के टू दी पावर लेटर से एन इन टू ओरिजिनल फंक्शन तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री एन ऑफ डिग्री एन जो कि ये पावर है एन तो सिमिलर वे में हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन है क्यों क्योंकि जब मैंने एक्स को के एक्स से रिप्लेस किया वाई को केवाय से रिप्लेस किया यहां पे देखो तो क्या आया एफ ऑफ के एक्स के वाई ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में आया मल्टीप्लाइड बाय के टू दी पावर जीरो मतलब ये भी होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री जीरो ऑफ डिग्री जीरो तो इस केस में क्योंकि ये होमोजिनियस फंक्शन है तो हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहां पे यूज कर सकते हैं ये वाला सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में यूज किया जा सकता है ओके तो हम यहां पे क्या लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना है y v x तो मुझे बताओ dy dx क्या होगा dy dx आपका होगा

तो अभी हमें दो सब्सिट्यूशन परफॉर्म करने कौन कौन से दो सब्सिट्यूशन यहां पे देखो डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे रखेंगे छोड़ देंगे तो फिर देखेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लास्ट में हम देखेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम अभी मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है और देखते हैं कि आगे सॉल्यूशन कैसे आएगा आगे सॉल्यूशन कैसे आएगा ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे सॉल्यूशन कैसे बन रहा है तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर दो दो सब्स्टिट्यूशन तो देखो क्या बनेगा dy/dx की जगह पे क्या रखेंगे v x dv/dx Y की जगह क्या रखोगे वी एक्स तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और यहां की जगह क्या रखेंगे Vx रखेंगे क्या रखेंगे Vx रखेंगे तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास ध्यान से देखो वी प्लस एक्स डी वी बायस इज इक्वल टू ऊपर से एक्स स्क्त कॉमन निकालो नीचे कर दो तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय टू वी डिवाइड बाय टू वी ओके अभी ये वाले v को उठा के यहां पे लेके जाओ तो क्या होगा x इन टू डीवी बाय डी एक्स ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये सब्सिट्यूशन करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इस टाइप का हम सब्सिट्यूशन करेंगे तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में आएगा वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स के सारे यहां पे यहां पे दो वेरिएबल है वी और एक्स तो एक्स के सारे मीन्स जो टर्म्स होंगे एक साइड लाने पड़ेंगे v के सारे टर्म्स दूसरे साइड लाने पड़ेंगे तो यहां पे देखो इसलिए मैं v को अलग करने के लिए उधर ले गया तो क्या बचेगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय टू वी माइनस वी ओके इसको आगे हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं यहां से यू नहीं जाएंगे नीचे से ही जाएंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी हम सॉल्यूशन के बहुत करीब आ गए हैं, तो देखिए क्या होगा इधर एलसीएम ले लो टू वी तो क्या बचेगा इधर आपका बचेगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड टू वी डिवाइड टू वी और ये क्या होगा एक्स इंटू डी वी by dx अभी देखो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहां पे अप्लाई कर सकते हैं v के वी के, साथ ले जाओ। के सारे सारे जाओबल इधर डीएक्स के साथ ले जाओ तो क्या होगा डीवी इन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स सॉरी डी एक्स बायस क्या आएगा डीएक्स बाय ओके तो हमने देखो सिंपली क्या किया डीवी था डीवी के साथ टू वी ऊपर लेके आए और यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा वी स्क्वायर प्लस वन वो नीचे आ जाएगा डीएक्स आपका ऊपर चला गया ओके okay? ये इंटीग्रेशन अभी यहां पे नहीं आएगा डीएक्स आपका ऊपर चला गया ध्यान देखो dx आपका ऊपर चला गया और जो इसके साथ माइनस मैंने कॉमन निकाला था वो dx के साथ ही छोड़ दिया वहां पे नीचे क्या आएगा आपका x आएगा अभी देखो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन v के सारे वेरिएबल्स x साइड पे आ गए और दूसरा x के सारे वेरिएबल्स दूसरे साइड पे आ गए क्लियर मेरी बात तो चलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे सॉल्यूशन क्या निकलेगा बस सिंपली क्या करो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो तो हमें ये वाला देखो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा हम पढ़ते थे इंटीग्रेशन में देखो ऐसा अगर यहां पे हमारे पास क्या हो रेशनल फंक्शन हो नीचे लेटर से फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका क्या है

और ऊपर क्या होना चाहिए उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो यहां पे एफ ऑफ एक्स है इसके लिए मतलब मैं ये इंटीग्रेशन का रूल लगा सकता हूं तो देखो इसको अगर इसका रिजल्ट क्या आएगा okay? तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा नेचुरल लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल क्या होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओके प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा अभी क्योंकि यहां पे भी नेचुरल लॉग है यहां पे भी नेचुरल लॉग है तो आर्बिटरी कांस्टेंट भी हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में लेंगे टू सिंपलीफाई द प्रोसेस ओके उसको बोल नेचुरल लॉग ऑफ लेटर से सी ओके okay? तो देखो ये क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ v2 1 इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी x ओके okay? दोनों साइड नेचुरल लॉग है नेचुरल लॉग है तो क्या है नेचुरल लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन ये क्या है नेचुरल लॉग ऑफ सी बाय एक्स मतलब ये दोनों नंबर जो अंदर दिख रहे हैं वो सेम होने चाहिए ओके जो यहां पे दोनों टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्वांटिटी तभी ही इक्वल होंगे जब अंदर वाले टर्म्स क्या होंगे दोनों सेम होंगे तभी दोनों का नेचुरल लॉग लोगे तो दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे मतलब वी स्क्वायर प्लस वन वी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होगा सी बाय एक्स के बराबर सी बाय x के बराबर अभी देखो हमारा प्रोसेस यहां पे खत्म नहीं होता है हमारा यहां पे प्रोसेस इसलिए खत्म नहीं होता है क्यों क्योंकि हमें जो ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए वो y और x के फॉर्म में चाहिए तो हम वापस से बैक सब्सिट्यूशन करेंगे देखो y बराबर क्या है v बाय एक्स तो यहां से v को यहां पे उठा के रखेंगे तो v की जगह क्या रख सकते हैं y बाय क्या रख सकते हैं y बाय तो वाई स्क्वायर एक्स

डिफरेंशियल इक्वेशन जो था जो किसी कर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो हमें पता है सर्कल ही क्योंकि चारों के रिलेटेड है लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में जिससे हम इस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट को फाइंड कर सकते क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ये कर वो कौन सी से पास हो रहा है वन वन से कौन सी पॉइंट से वन वन से ओके वन वन पॉइंट से कर पास हो रहा है इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वन और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा वन मतलब अगर एक कर्व का इक्वेशन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है इसका मतलब वो जो कर्व का इक्वेशन है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो रख दो y बराबर one, प्लस एक्स बराबर भी वन रख दो वाई तो okay? की जगह रखा सी की जगह रखा सॉरी एक्स की जगह भी वन रखा एक्स की जगह भी वन रखा तो सी क्या आया मेरा टू आ गया अगर सी इज इक्वल टू को हम इस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो रख दो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अभी ये जनरल अभी ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन नहीं बना है मतलब सर्कल का इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो चलो इसको बनाते हैं क्या बनेगा देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर अभी यहां पर ध्यान दो यहां पे इसको अगर एक्सपॉन्ड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लेकिन यहां इक्वेशन में प्लस वन नहीं दिख रहा है हमें ओरिजिनल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सिंपली क्या कर देंगे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और ये माइनस वन को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस वन ओके तो ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया सर्कल का अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्या होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो मुझे बताओ अगर इस ये हमारा जो आया ये जो कर्व आया जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो हमें कर्व का इक्वेशन मिला जो कि क्या है एक सर्कल का इक्वेशन है और इसको अगर हम स्टैंडर्ड सर्कल के इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो सेंटर क्या होता है मुझे बताओ सेंटर आपका होता है ए बी ए बी तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो सेंटर आपका क्या होगा वन जीरो क्या होगा वन Zero. और रेडियस को कंपेयर करोगे तो रेडियस आपका क्या होगा क्या होगा रेडियस भी नेगेटिव नहीं हो सकता यूनिट यूनिट क्या होगा ओके okay? तो इसका मतलब क्या था ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था जिस कर्व का है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जो एक कर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस कर को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सिंपली क्या है एक सर्कल है वो एक क्या है सर्कल है और ध्यान से देखो इसका सेंटर क्या है वन जीरो वन जीरो वाला पॉइंट कहां पे होता है एक्स एक्सिस पे होता है तो मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पे गिरेगा इसका सेंटर लाए करेगा कहां पे एक्स एक्सिस पे कहां पे एक्स एक्सिस पे ओके okay? तो हमारे पास चार ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन बी था कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पर होगा एक्स एक्सिस पे होगा वो करेक्ट है ऑप्शन सी जो था वो क्या था कि सेंटर क्या होगा वन जीरो सर्कल होगा इसका इसका रेडियस कितना होगा One, वो भी करेक्ट है इसका मतलब इस क्वेश्चन में तीन ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं बी सी एंड डी ओके तो यही था फाइनल सॉल्यूशन तो बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस तो जब आप एप में भी आंसर देते हो तो वहां पे भी एम की फैसिलिटी है आप एक से ज्यादा ऑप्शन एंटर कर सकते हो तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे पार्शियल मार्किंग एमएसक्यू में नहीं है हमारे जेनेक लाइव में भी यही फैसिलिटी है ओके okay? तो आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे हमने चेक किया कि यह फंक्शन क्या था होमोजीनियस फंक्शन था यहां पे होमोजीनियस फंक्शन आ गया था लेकिन ऐसा ये जो सब्सटीट्यूशन है ये y इज इक्वल टू वी एक्स मोजीनियस अगर फंक्शन होगा तो पक्का ये यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे जो है राइट हैंड साइड वाला फंक्शन था x, y, ये होमोजीनियस नहीं होगा ये होमोजीनियस नहीं होगा लेकिन इस फंक्शन में ऐसे बहुत टर्म्स होंगे जैसे कि वाई क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क् वाई स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इस टाइप का आपको फंक्शन दिखता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में

और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से अलग कर पा रहे हो मतलब डीवाईवाई दी डी एक साइड आ गया और पूरा फंक्शन दूसरे साइड आ गया तो आप फिर भी ये वाला सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हो ओके okay, ऐसा नहीं है कि यह सब्सटीट्यूशन सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन के केस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ही यूज हो सकता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट फर्स्ट डिग्री का तो हंड्रेड परसेंट यह सब्सटीट्यूशन यूज होगा लेकिन इसका आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ओके okay? जहां पे भी एक्स के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप के पावर वाले टर्म्स दिखे और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई वाई डी फंक्शन के फॉर्म में हो तो भी आप ये सब्सिट्यूशन यूज कर सकते हैं क्लियर इतनी बात तो आई होप ये सेशन आप इंजॉय किए होंगे बहुत चीजें आपको सीखने को मिली होंगी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री का एक क्वेश्चन उसके बाद हम एक से दो क्वेश्चन हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे किस पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंक्लूड करेंगे ओके okay? तो आप मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के साथ तब तक के लिए सबको गुड बाय